नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी से हमारा एक बार फिर से निवेदन है कि अभी तक आपने अगर पीपीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर खबर मिलती रहे। तो आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। बुधवार को भी सुबह से ही फर्रुखाबाद में बुलडोजर का कहर जारी रहा। जेसीबी अपने काम पर जुटी रही और अतिक्रमण की जद में आई दुकानों और भवनों पर कहर बनकर बरसती रही और अतिक्रमण में आए भवनों को जमीजोत करने में जुटी रही। बुधवार को बाबा का बुलडोजर सुबह से ही लालगेट कादरी गेट मार्ग पर गरजा, जिसमें अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव तथा ईओ नगर पालिका अरविंद कुमार ने आज सुबह 8 बजे अतिक्रमण अभियान की शुरुआत कराई, जिसमें सरकारी नक्शे के हिसाब से अभियान चलाया गया तथा सरकार की भूमि पर बनाए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बीते दिनों की तरह आज भी अवैध अतिक्रमणकारियों पर जमकर गरजा है बाबा का बुलडोजर। लेखपाल रोशन लाल ने सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पैमाइश की। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के नेतृत्व में लाल दरवाजे से कादरी गेट मार्ग पर बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसमें आज बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। फर्रुखाबाद कोतवाल भी मौजूद रहे। कल चले अभियान में ट्रैफिक के कारण आई समस्या को देखते हुए सुबह से ही मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे अभियान कम समय में सुचारू रूप से चल पाया। आज चले अभियान में सपा नेता रमेश चंद्र कटेरिया, इंद्र ब्रहण गिहार, चंद्रवान गिहार, अशोक गिहार, धर्मवीर हेमा आदि के साथ ही आरएस सिंह के घर के बाहर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान गिहार समाज के लोग भड़क गए और उन्होंने सड़क पर ईंटों को डालकर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के आगे कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने भेदभाव का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि कई वर्षों से विचाराधीन चौक स्थित टाइम सेंटर पर बाबा का बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया और हम लोगों को बेघर कर दिया गया। इस सवाल पर सिटी मजिस्ट्रेट मैडम ने बताया कि टाइम सेंटर पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। इसके साथ ही कादरी गेट त्राहे तक सड़क के दोनों तरफ चिन्हांकन भी किया गया, जिसमें कादरी गेट पुलिस चौकी भी जद में आ गई, उसमें चूना डाला गया। रतन कोल्ड की दीवार भी अतिक्रमण के दायरे में आ गई। फिलहाल बुधवार को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव। हमारी इस खबर को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार। क्या कार्रवाई की गई है आज? जो कल चिन्हांकन हुआ था कादरी गेट तक, उस सभी में अतिक्रमण अभियान में जो बिल्डिंगें आ रही थी, दुकानें आ रही थी, उनको हटवा दिया गया। क्या मानक क्या है सड़क के? कई लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सड़क पे मध्य बिंदु से 15 मीटर दोनों ओर है। 30 मीटर की सड़क, 30 मीटर सड़क। पुलिस प्रशासन मौजूद रहा है? बहुत अच्छी आज सहयोग रहा, पुलिस भी बहुत मुस्तैद रही है और कार्रवाई में कम समय लगा ट्रैफिक डाइवर्जन हो जाने से आज का अभियान हो चुका है। जिन रेगुलर रहेगा कल रेगुलर रहेगा, आज हम वहाँ चूना डला के आगे रेगुलर रोड पे चिन्हांकन कराए दे रहे हैं और कल फिर उधर की ओर अभियान पड़ेगा। जिन गिहार बस्ती के लोगों का अतिक्रमण हटाया गया, उनका आरोप है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और जबकि चौक पर टाइम सेंटर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। टाइम सेंटर पे अभी माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है और यहाँ पर रोड इतनी कंजेस्टेड थी और ये अपना कबाड़ का सामान भी पूरा सड़क पर फैला लेते थे। पिछले 6 महीने में यहाँ पर 3 on-the-spot डेथ हुई है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसको देखते हुए यहाँ पे अतिक्रमण हटना बहुत जरूरी। यातायात व्यवस्था की क्या रही आज? आज ट्रैफिक लाल गेट से और कादरी गेट से डाइवर्ट कराएंगे, आप सुचारू हो जाए।
Thank you.
थोड़ा नहीं होता, आप करवाइए सबके साथ कराइए। भाई हमारा सब तोड़ा जा रहा है, ट्रांसजेंडर वगैरह कोई नहीं तोड़ा जा रहा है, और उधर आगे से आना था टूटते, अब हमारा नंबर पहले लगा दिया, उधर से नहीं लगाया नंबर, भाई जिधर से टूटना था उधर से नहीं टूटा, इधर से उधर टूटने को था। कौन सा टाइम सेंटर बता रहे हो? चौक पे, चौक पे। भाई साहब आया।